फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन सभी हमने देखे थे। आज की वीडियो में हम सेल्स का दूसरा टाइप्स ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, अगर हम कोई पूछे कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या है तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन करें, अगर एग्जाम में हमें पूछा जाए तो उसे हम कैसे डिस्क्राइब करें, कैसे लिखे, तो ये सभी की डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस, कहीं जाएगा मत, वीडियो एंड तक देखना, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए चलो स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक सेल्स थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उसका पूरा बॉडी एक ही सेल का बना हुआ था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं है, वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसका बहुत सारे सेल्स का बॉडी बना हुआ है, इसलिए उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल्स वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहला पार्ट हम क्या लिखेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल्स हैव ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस है, ऐसा न्यूक्लियस है जो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है, इसीलिए उसको ट्रू न्यूक्लियस यानी कि यूकैरियोट्स कहते हैं। लास्ट है, इट इज सेल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इट हैव मेनी ऑर्गेनल्स। इसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी वाला है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल था, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वाला है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी ऑर्गेनल्स से उसका स्ट्रक्चर बनता है, और ये सारे ऑर्गेनल्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो इट हैव मैनी ऑर्गेनल्स बिकॉज ऑफ इट्स हैव मैनी ऑर्गेनल्स। सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी वाला है, ठीक है। अब उसका नेम नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ ये डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या था, प्रो का मीनिंग था बिफोर, बिफोर यानी कि जो सेल की पोजीशन थी वेल डेवलप्ड वाली, उसके पहले की पोजीशन को हम प्रोकैरियोट कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट्स में उसका सेल है वो वेरी डेवलप्ड है प्रोकैरियोट्स की जैसा। यूकैरियोट में क्या है, यू का मीनिंग है गुड और वेल, और कैरियन का मीनिंग है न्यूक्लियस, उसका यू है वो गुड और वेल, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। अब देखते हैं, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था यूकैरियोटिक सेल का। अब हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो उसका सिंपल स्ट्रक्चर, उसकी सिंपल फिगर कैसे बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं उसकी फिगर यूकैरियोटिक सेल की, उसमें नॉर्मल सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सबसे मेन है उसमें न्यूक्लियस, उसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है, वो सबसे मेन है। न्यूक्लियस है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है। और न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस इसका जो केंद्र होता है, उसका जो सेंटर होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी ऑर्गेनल्स है, लाइक गॉल्गी बॉडी है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम्स है, साइटोप्लाज्मा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और राइबोसोम्स है। इसका ये बहुत सारा सारी ऑर्गेनल्स है, और सबसे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो सभी ऑर्गेन। अब हम यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन को हम कैसे लिखते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म हूज सेल कंटेन इज अ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अपना खुद का ट्रू न्यूक्लियस हो और अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो, तो उसे हम यूकैरियोटिक में इंक्लूड करते हैं, उसे प्रोकैरियोट्स नहीं कहते, उसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं, उसके फंक्शन में क्या है। इसमें सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे कहते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और उसका मेन वर्क क्या है, वो बाहर की जो एनवायरमेंट है उससे सेल को प्रोटेक्ट करता है, वो बीच की दीवार है जो बाहर के एनवायरमेंट
से प्रोटेक्ट करते हैं सेल को, ठीक है, ये उसका मेन वर्क है. द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाई लेयर दैट इज सेमी परमिएबल. वो एक बाई लेयर है, वो कंटेन करता है जो कि सेमी परमिएबल है. हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं परमिएबल, सेमी परमिएबल और नॉन परमिएबल किसे कहते हैं. फिर से कह देती हूँ, सेमी परमिएबल जिसे कहते हैं वो एक मेम्ब्रेन है जो कुछ कुछ कंपाउंड को बाहर जाने की परमिशन देता है और कुछ कंपाउंड को बाहर से अंदर आने की परमिशन देते हैं, उसे सेमी परमिएबल कहते हैं. परमिएबल इसे कहते हैं कि वो परमिशन देते हैं सेल से कोई भी कंपाउंड को बाहर जाने के लिए और बाहर को अंदर आने के लिए परमिशन देता है. और नॉन परमिएबल इसे कहते हैं कि जो एक भी कंपाउंड को सेल के अंदर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देता और बाहर से अंदर आने की भी परमिशन नहीं देता. तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं. नेक्स्ट क्या है, द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल. मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसका मेन वर्क है ट्रांसपोर्ट करना है, वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है, वो अंदर आने की परमिशन देती है और एग्जिटिंग, एंटरिंग और एग्जिटिंग, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क है. अगर हम नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारा क्या है, वो है गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं. इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्ट्रीन, ठीक है. उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो फ्लैट स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है. ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो गोल्गी बॉडी का है और इसे, इसका जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, सिस्ट्रीन बोलते हैं, ठीक है. It is absent in RBC of humans and sheath cells of plant. Okay, ये किसमें absent होती है, वो RBC of humans, RBC means red blood cell, red blood cell of humans में ये absent होती है और sheath cells of plant है. Sheath cells से कहते हैं कि non flowering होती है वो, उसकी cell wall plant की, उसमें वो present नहीं होते हैं. अब third one है, they are arranged पैरेलल, पैरेलल वो अरेंज होती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे होती है. और वो कहाँ लोकेटेड होती है, वो नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में वो मौजूद होती है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. वो उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन वर्क ये है कि वो फॉर्मेशन करता है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का वो फॉर्मेशन करता है. गोल्गी एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि गोल्गी बॉडी का मेन वर्क क्या है, तो उसका मेन वर्क यही आपको चूज करना है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है. और नेक्स्ट फंक्शन है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स में क्या है, दिस इज द मेन साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. अगर राइबोसोम्स का मेन वर्क देखा जाए तो उसका एक ही वर्क है, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है. उसका वर्क भले ही एक ही है लेकिन वो बहुत ही बड़ा काम है, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं न्यूक्लियस, जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में बहुत ही मेन है. तो न्यूक्लियस में क्या होता है, द न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए प्रोटीन एंड क्रोमोसोम. ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कंटेन करता है, वो डीएनए कंटेन करता है, आरएनए कंटेन करता है और इधर है क्रोमोसोम मेन है, क्रोमोसोम कंटेन करता है. ये सब न्यूक्लियस में होता है, ठीक है. नेक्स्ट है द न्यूक्लियर एनवलोप कंसिस्ट ऑफ टू लेयर. ये जो ये वन लेयर है और ये टू लेयर है, ये दो लेयर है वो कंसिस्ट करता है उसमें. ये वाला है वो है आउटर लेयर और ये वाला है वो है इनर लेयर, ठीक है. फर्स्ट आउटर लेयर एंड इनर लेयर. Both the membrane are the permeable. ये दोनों जो membrane है वो permeable है to ions. किसके लिए है वो, ions के लिए है, molecules के लिए है और RNA material के लिए है, जो कि वो अंदर से बाहर जा सकते हैं और बाहर से अंदर भी जा सकते हैं. ये था nucleus. Nucleus का ये rough diagram है. आपको exam में पूछा जाए तो आप nucleus का ये diagram draw कर सकते हो. ये बहुत ही सिंपल है और well understandable है.
तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था न्यूक्लियस जो कि मेन है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस है वो मेन कंटेन किसको करता है, डीएनए को, क्रोमोसोम्स को करते हैं, प्रोटीन को करते हैं। फंक्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकेरियोट्स का मेन ऑर्गेनल्स है। उसका फंक्शन हम देख लेते हैं। उसके फंक्शन में सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनल फाउंड इन द सेल्स ऑफ मोस्ट यूकेरियोट्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, वो एक ऑर्गेनल फाउंड है जो मोस्ट यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसे कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ठीक है, इट इज जनरेट द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी जनरेट किस फॉर्म में करता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी है वो सेल की करेंसी है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये एटीपी जनरेट कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को जनरेट करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन क्रोमोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसका खुद का एक क्रोमोसोम है जो कि वो कंटेन करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में उसका एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो डिवाइडेड है फोल्ड्स में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यूकेरियोटिक सेल की। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से काफी डिफरेंस है। ठीक है, द फीचर्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स आर एज फॉलो। नीचे दी गई सारी है वो कैरेक्टरिस्टिक है यूकेरियोटिक सेल की। यूकेरियोटिक सेल्स हैव द न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसका जो न्यूक्लियस होता है जो कि वेल डेवलप्ड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है। इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया थी वो एब्सेंट थे, लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमने आगे देखा है। एज पर द न्यूक्लियस कंटेन अ सिंगल लीनियर डीएनए। न्यूक्लियस है वो क्या कंटेन करता है, डीएनए कंटेन करता है, जो कि डीएनए कैसा है, लीनियर है और सिंगल है। ठीक है, विच कैरीज ऑल द जीनेटिक मटेरियल। डीएनए है उसका वो क्या कंटेन करता है, वो जीनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूकेरियोटिक सेल्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। हम सबको पता है यूकेरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बड़ा है, एंड उसके पास क्या है, सेल्स एंड हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड रॉड शेप क्रोमोसोम। उसका जो क्रोमोसोम होता है वो कौन से शेप का होता है, रॉड शेप का होता है। ठीक है, और वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं यूकेरियोटिक सेल्स के। एग्जाम्पल में क्या क्या है, एनिमल है, प्लांट है और फंजाई है। ये सभी है उस वो यूकेरियोट्स में इंक्लूड होता है। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर से ऐसे ही टॉपिक पर, ऐसे ही वीडियो पर हम फिर से मिलेंगे।